मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं पूर्वांचल साल में। आज हम पत्रकार मौजूद है जहाँ पे 19वीं स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय स्वतंत्र पार्टी के तरफ से बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर आने वाले हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, दिखाइए, ये छोटे नेतों के लिए है और वो सामने जो बड़ा दिखाया जा रहा है इस पे अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। और यहाँ के कार्यक्रम स्थल पे कारंगा मंजम का कार्यक्रम हो रहा है, जिसपे लोगों को गीत के माध्यम से पार्टी की तरफ से लोगों को बताया जाएगा। और हम आपको बता दें अभी से जनता का रुझान आने वाला स्टार्ट हो गया, सामने दिखा जा रहा है कि जनता का रुझान बढ़ते जा रहा है, भीड़ पे भीड़ बढ़ते जा रहा है, लेकिन जनता अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत काफ़ी जनता आ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जान लगता है कि लाखों की तादाद में जनता आने वाली है। और भी बहुत सारे अखिलेश यादव जी अपने हेलीपैड से और ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे और जनता को अपने संबोधित करेंगे। यहाँ पे जो है 22 लेकर ऐलान होने वाला है, तो उसकी सरकार बनने की आवश्यकता सरकार नहीं, यहाँ पे पता चलेगा कि क्या किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं। योगी जी और अखिलेश यादव में देर हजार आ रहा है कि लगता है कि जनता का रुझान के हिसाब से काफी जोरदार टक्कर होने वाला है और जनता का भी मूड बदलाव देखा जा रहा है। काफी जनता से बात करते हुए बात हुआ है, काफी बदलाव होगा और जनता बदलाव चाहती है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सोलह पार्टी के लोग अपने अपने हाथों में झंडा लेके हवा में लहराया जा रहे हैं, जैसे इनके काफी खुशी नजर आ रही है। लगता है जैसे कि आज सोलह पार्टी का कार्यक्रम बहुत ही बड़े स्तर पर होने वाला है और जहाँ पे देखा जा रहा है दूर दूर तक देखा जा रहा है कि सोलह पार्टी का झंडा ही झंडा लहराया जा रहा है। और हम बताते चले कि आपको अभी एक घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव जी का आगमन होने वाला है, प्रकाश यादव जी ओम प्रकाश जी का आगमन होने वाला है। आपको बताते चले अब महिला मंच के द्वारा बहुत उठा।